पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैनाठेर थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर गुरुवार दोपहर हुआ हादसा इतना भीषण था कि पेंट कारोबारी की कार के परखच्चे उड़ गए। कंटेनर से टकराने के साथ ही जोरदार धमाका हुआ और आसपास के लोग भी सहम गए। कारोबारी और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मूल रूप से कटघर के रहने वाले अजीत कुमार शर्मा बुधवार को वो बहन ममता से मिलने के लिए कार से हापुड़ गए थे, साथ में पत्नी शालिनी शर्मा भी थी। इसी दौरान बाईपास पर हादसा हो गया। आसपास दुकानदारों का कहना था कि घटना के करीब 10 मिनट तक चारों तरफ धूल ही धूल छा गई। मौके पर पहुंचे तो देखा कि कार में दंपत्ति फंसे हुए थे। थोड़ी ही देर में अन्य लोग भी पहुंच गए। जब तक दोनों को बाहर निकालने की कवायद शुरू होती, इससे पहले ही दोनों की सांसें थम चुकी थी। जोरदार टक्कर लगने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगला हिस्सा पूरी तरह से खराब हो गया था। इस कारण दंपत्ति कार के अंदर ही फंस गए थे। पुलिस ने शव को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में कार की टीन काट कर दोनों शवों को बाहर निकाला जा सका। वहां जाके देखा कि कार, जिनकी शुभ डिजायर कार थी, वो ट्रक में पीछे से घुसी हुई थी और तुरंत ही उनको निकाल के कार से और हम एम्बुलेंस से लेके तुरंत मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाए। यहां आके डॉक्टरों को चेकअप कराया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद जो भी इनको मृत घोषित करा, उसके बाद इनको मोर्चरी में। कितने लोग थे ये? दो लोग थे सर। एक दोनों की मौत हो गई है सर, ये तो डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। ये एक स्विफ्ट डिजायर है गाड़ी जो रामपुर की तरफ से आ रही है और रास्ते में ट्रक्स के अंदर, अब किस तरह से अंदर घुसी है तो बाद में विवेचना से पता लगेगा, लेकिन इस दोनों में एक अजीत शर्मा और शालिनी पाठक दोनों थे इसके अंदर। दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ मालूम है कहाँ के हैं ये? कहाँ के हैं ये? मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं। इनका फ़ोन आया है, उनके परिजन आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं वो लोग। बाद में पता चलेगा कौन कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन इनका फ़ोन से कॉन्टैक्ट हो चुका है।